तो डिस्क्लेमर ये है कि बस ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और कुछ नहीं, जस्ट फॉर इंफरटेनमेंट। होप यू वुड। तो दोस्तों, जो ब्लैक होल होता है, कुछ लोगों को लगता होगा कि ब्लैक होल एक कोई स्पेस में होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक पिंड होता है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो इतना हाई होता है कि वहाँ पे अगर लाइट भी जाए ना, तो वो उसको भी सोख लेता है। मतलब अगर ये ब्लैक होल है, तो जो लाइट आएगी इस पर, तो वो वापस नहीं जाएगी, मतलब इसी में सोख लेगा। तो कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है? जब उस पर लाइट गिरती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है ना। जब उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वापस लाइट आएगी नहीं, तो वो दिखेगा ही नहीं। मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे गायब है, ब्लैक। तो इसीलिए शायद उसका नाम ब्लैक होल रखा गया है। अब देखिए, ब्लैक होल के बहुत सारे फीचर बताए गए हैं। हम बात करेंगे सिंपल भाषा में, समझेंगे कि ब्लैक होल आखिर में बनता कैसे। तो ब्लैक होल बनने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर किसी पिंड को, जिसका बहुत सारा द्रव्यमान है और बहुत सारा जिसमें डेंसिटी है, उसको अगर कंप्रेस कर दिया जाए, मतलब जैसे कि पृथ्वी है, सूर्य है, इतने बड़े बड़े ग्रह को अगर कंप्रेस करके एक इतने से, मतलब गोली कितने, मटर का दाना कह सकते हो, इतने स्पेस में, वैल्यूम में अगर ले कंप्रेस कर दिया जाए, तो हो सकता है कि वो ब्लैक होल बन जाए। ये बताया गया, इसका ऐसा मतलब मानना है लोगों का, आई मीन साइंटिस्ट लोगों का। तो देखिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी सूर्य या ऐसे ग्रह को ब्लैक होल नहीं बना सकते। ब्लैक होल जो कॉन्सेप्ट है, वो ये हो सकता है कि अगर सूर्य कितनी वैल्यूम के, बड़े बड़े लाखों ग्रह सूर्य जितनी वैल्यूम में अगर आ जाए, कंप्रेस करके दबा के उसमें फिट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि वो ब्लैक होल बन जाए, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जो डेंसिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण पुल है, वो इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ पे हर चीज़, चाहे लाइट हो, चाहे दूसरे ग्रह हो, कुछ भी हो, वो खींचते चले जाएंगे। तो एक तरीके से ब्लैक होल का काम करेगा, मतलब ब्लैक होल बन जाएगा बेसिकली। तो देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ब्लैक होल में कोई गिर जाए, तो वो रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये ब्लैक होल है, ये खींच रहा है अपनी तरफ, तो जैसे जो हिस्सा उसके पास में होगा, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो तेज़ी से खींचेगा, और पीछे वाला पीछे होगा। जैसे कि न्यूटन के नियम में होता है ना, कि अगर कोई इंसान गति में है और अचानक से नीचे आ जाए, तो नीचे वाला पैरों वाला हिस्सा पहले रुक जाएगा, ऊपर वाला भी गतिमान है, तो मतलब वो ऐसे गिर पड़ता है। ऐसे ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट इसका भी समझ लो, कि मतलब अगर आगे के हिस्से का शरीर है, अगर वो जा रहा है अगर ब्लैक होल में, तो आगे का हिस्सा में ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वो आगे है ना, पीछे वाले में कम, तो ऐसे खींचेगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, और ये भी कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होल में जो टाइम है, वो धीमा हो जाता है। आपने इंटरस्टेलर मूवी मूवी अगर देखी होगी, तो आपको पता होगा कि उसमें दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे उसका 1 घंटा यहाँ पे 7 साल के बराबर होता है, मतलब पृथ्वी पे। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि अंतरिक्ष में, स्पेस में, हर जगह टाइम अलग अलग हो सकता है, मतलब एक दूसरे से। पृथ्वी में जो टाइम है, वहाँ शायद कम हो या ज़्यादा हो, ये हो सकता है। तो ब्लैक होल में भी बताया गया कि वहाँ पे हो सकता है कि टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट ही ना करता हो। तो बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि ब्लैक होल बनने में, कि बहुत बड़े बड़े जिनका बहुत सारा द्रव्यमान होता है तारों का, वो टूटते हैं, और एक सुपरनोवा करके कोई प्रोसेस होती है, मतलब होती है। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो तारे होते हैं, वो धीरे धीरे उनमें बहुत सारी जो होते हैं हीलियम और ये सब, तो इनसे वो जल रहे होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, फिर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फिर विस्फोट होते हैं। तो जब उनका द्रव्यमान और डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कंप्रेस होके ब्लैक होल बन जाए, मतलब हर एक नहीं बनता है, कुछ बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। हर चीज़ अभी थ्योरी में है, प्रैक्टिकली किसी ने देखा नहीं है, और इसीलिए मैं बोल रहा कि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि क्या क्या जो है, मतलब मैंने मैंने जो पढ़ा है किताबों में और इंटरनेट पे, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, ये अभी किसी को नहीं पता। थोड़ी बहुत थ्योरी आपने 2019 में शायद इसकी इमेज भी देखी होगी। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही, रिसर्च चल रही है, तो फ्यूचर में शायद हम लोग उसके बारे में और डीपली जान पाएंगे कि ब्लैक होल एक्चुअल में क्या है और
इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या हम फ्यूचर में भी जा पाएंगे, ब्लैक होल का लिवरेज ले पाएंगे क्या हम कुछ पास्ट में जाने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ जैसा इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया कि वो पास्ट को चेंज करने के लिए एक जो दूसरा एक डायमेंशन है टाइम वाली उसमें जाता है ना, उसमें दिखाया गया मूवी। तो मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवी में देखोगे तो आप पता चलेगा कि यार ये थोड़ा अलग चीज़ है। कुछ लोग शायद ऐसी मूवी देखते भी नहीं होंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हो, पूरा देखते हो, तो मुझे पता है कि आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, इसीलिए आप इसको देख रहे हो। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं स्पेस को लेकर भी और अदर चीज़ों में, जैसे क्वांटम एक अलग दुनिया है कि मतलब ये अणु परमाणु के अंदर भी एक दुनिया है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो जानना चाहिए अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत सारी रिसर्च है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से वीडियो लाके जो कठिन कठिन कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि ब्लैक होल कोई स्पेस में होल नहीं है, ये एक पिंड होता है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई होता है। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसमें प्रकाश भी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो इसलिए ब्लैक दिखता है। और फिर आपने देखा होगा कि तो फिर वो आसपास छल्ला टाइप का क्या दिखता है, तो वो क्या होता है, वो दूसरे जो चीज़ों को खींच रहा होता है ना, तो वो उससे बनता है कि ब्लैक होल जहाँ पे है उसके आसपास अगर कोई ग्रह है तो उसको खींचता हुआ दिखता है, तो वो इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे बन जाता है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो स्पेस है वो एक चादर की तरीके से है, और जो ब्लैक होल है वो कैसे बना, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चादर की तरीके से, अगर चादर में एक, जैसे आपने देखा होगा एक लोहे की गोली लो और एक कांच की गोली लो, दोनों को चादर में डाल दो, तो जहाँ पे वो लोहे की गोली गिरेगी वहाँ पे ज़्यादा गहरा गड्ढा हो जाएगा, मतलब कि अब उस गड्ढे में इतना मतलब ज़्यादा कि अगर वहाँ से कोई चीज़ ऐसे आप डालोगे तो शायद कांच वाले में नहीं जाएगी, लोहे वाले में जाके पहुँच जाएगी ऐसे घूमते हुए, है ना जाके। तो मैं इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लूँ कि ऐसे जाते हुए वो अंदर चली जाती है, तो ब्लैक होल समझ लूँ कि वहाँ पे एक कोई चीज़ है, एक गोली है, एक लोहे की, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा है मतलब द्रव्यमान ज़्यादा है, तो वो उसमें बहुत नीचे तक है, और जो हल्की गोली है जिसका द्रव्यमान कम है घनत्व कम है तो वो थोड़ी उछली हुई है। तो सीधी सी बात है कि पानी कहाँ से कहाँ तक बहता है, ऊंचाई से ढलाई की तरफ बहता है ना, जिस तरफ गहराई होती है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी समझो कि जो ऊपर है उसमें खिंचाव कम होगा तो किस में जाएगी, जिसमें जो गहरा ज़्यादा है उसमें जाएगा ना। तो ये एक चद्दर के तरीके से ऐसा समझ लो, ये मतलब एक समझाने का तरीका है। अब एक्चुअल में कैसा है स्पेस ये तो किसी को नहीं पता है, बस रिसर्च चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ मज़ेदार आपको लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैं लाऊंगा इसी तरीके से और वीडियो। अगर आप इस वीडियो से अपना रिस्पांस देते हो, फीडबैक देते हो कि आपको इसमें कैसा लगा, मज़ा आया, समझ में आया जो मैंने बताया ब्लैक होल के बारे में, तो मिलते किसी नए वीडियो में।